एचपी वाइबर देव धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी इस फिल्म से चर्चा में आई थी। जानिए इनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का अपना दीवाना बनाने वाले हेमा धर्मेंद्र को अपने सिने करियर के शुरुआती दौर में संघर्ष करना पड़ा। धर्मेंद्र को वह दिन भी देखना पड़ा था जब निर्माता निर्देशक उनसे यह कहते आप और अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं है और आपको अपने गाँव वापस लौट जाना चाहिए। पंजाब के फगवारा में 8 दिसंबर 1935 को जन्म धर्मेंद्र का रुझान बचपन के दिनों से ही फिल्मों की ओर था और वे अभिनेता बनना चाहते थे। फिल्मों की ओर उनकी दीवानगी का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म देखने के लिए वे मीलों पैदल चलकर शहर जाते थे। फिल्म अभिनेत्री सुरैया के बेग इस कदर दीवाने थे कि उन्होंने वर्ष 1949 में प्रदर्शित फिल्म दिलगी 40 बार देखी। वर्ष 1958 में फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर पत्रिका फिल्म फेयर का एक विज्ञापन निकाला जिसमें नए चेहरों को और अभिनेता काम देने की पेशकश की गई थी। धर्मेंद्र इस विज्ञापन को पढ़कर काफी खुश हुए। अमेरिकन ट्यूबवेल में अपनी नौकरी को छोड़कर अपने सपनों को साकार करने के लिए मायानगरी मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद धर्मेंद्र को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता काम पाने के लिए वे एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकते रहे। वह जहां भी जाते उन्हें खरी खोटी सुननी पड़ती। धर्मेंद्र चूंकि विवाहित थे अत कुछ निर्माता उनसे यह कहते कि यहां तुम्हें काम नहीं मिलेगा। कुछ लोग उनसे यहां तक कहते तुम्हें अपने गांव लौट जाना चाहिए और वहां जाकर फुटबॉल खेलना चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र उनकी बात को अनसुना कर अपना संघर्ष जारी रखा। इसी दौरान धर्मेंद्र की मुलाकात निर्माता निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी से हुई, जिन्होंने धर्मेंद्र की प्रतिभा को पहचान अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में बतौर अभिनेता काम करने का मौका दिया। लेकिन फिल्म की असफलता ने धर्मेंद्र को गहरा धक्का लगा और एक बार उन्होंने यहां तक सोच लिया कि मुंबई में रहने से अच्छा है गाँव लौट जाया जाए। बाद में धर्मेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे की असफलता के बाद धर्मेंद्र ने माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, नूतन के साथ बंदिनी, मीना कुमारी के साथ काजल जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों को दर्शकों ने पसंद तो किया, लेकिन कामयाबी का श्रेय बजाय धर्मेंद्र के फिल्म अभिनेत्रियों को दिया गया। वर्ष 1966 में प्रदर्शित फिल्म फूल और पत्थर की सफलता के बाद सही मायनों में बतौर अभिनेता धर्मेंद्र अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। फिल्म में धर्मेंद्र ने एक ऐसे मवाली गुंडे का अभिनय किया जो समाज की परवाह किए बिना अभिनेत्री मीना कुमारी से प्यार करने लगता है। दिलचस्प बात है, आज के दौर के नायक अपने शरीर श्रेष्ठत्व को दिखाने के लिए बेवजह कमीज उतार देते हैं, पर इस फिल्म के जरिए धर्मेंद्र ऐसे पहले नायक हुए जिन्होंने इस परंपरा की नींव रखी। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के कारण वे फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित भी किए गए। धर्मेंद्र को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों का अहम योगदान रहा है। इनमें अनुपमा, नजली दीदी और सत्यकाम जैसी फिल्में शामिल है। फूल और पत्थर की सफलता के बाद धर्मेंद्र की छवि हीमैन के रूप में बन गई। इस फिल्म के बाद निर्माता निर्देशकों ने अधिकतर फिल्मों में धर्मेंद्र की हीमैन वाली छवि को भुनाया। 70 के दशक में धर्मेंद्र पर यह आरोप लगने लगे कि वह केवल मारधाड़ और एक्शन से भरपूर फिल्में ही कर सकते हैं। धर्मेंद्र को इस छवि से बाहर निकालने में एक बार फिर से निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने मदद की। धर्मेंद्र को लेकर उन्होंने चुपके चुपके जैसी हास्य से भरपूर फिल्म का निर्माण किया और धर्मेंद्र से हास्य अभिनय कराकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री के रुपहले पर्दे पर धर्मेंद्र की जोड़ी हेमा मालिनी के साथ खूब जमी। यह फिल्मी जोड़ी सबसे पहले फिल्म शराफत से चर्चा में आई। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हेमा और धर्मेंद्र की यह जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी उनके रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल बन गई। बाद में इस जोड़ी ने ड्रीम गर्ल, चरस, आसपास, प्रतिज्ञा, राजा जानी, रजिया सुल्तान, अली बाबा 40 चोर, बगावत, आतंक, द बर्निंग ट्रेन, दोस्त आदि फिल्मों में एक साथ काम किया। वर्ष 1975 धर्मेंद्र के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ और उन्हें निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अपने अलहद अंदाज से धर्मेंद्र ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। फिल्म में धर्मेंद्र के संवाद उन दिनों दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए, खास तौर पर जब धर्मेंद्र शराब के नशे में धुत पानी की टंकी पर चढ़कर कूद जाऊंगा फांद जाऊंगा। आज भी सिने प्रेमी इस संवाद की चर्चा करते हैं। 70 के दशक में हुए एक सर्वेक्षण के दौरान धर्मेंद्र को विश्व के हैंडसम व्यक्तियों में शामिल किया गया।